વાપીના રાજસ્થાન ભવન ખાતે સમાજ સેવિકા સ્વર્ગસ્થ મંજુ દાઈમાની 14મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે મેગા રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। વાપીના પ્રખર સમાજ સેવિકા તેમજ પૂર્વ નગર સેવિકા સ્વર્ગસ્થ મંજુ દાઈમાની 14મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે રાજસ્થાન પ્રગતિ મંડળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા છેલ્લા 14 વર્ષથી મેગા રક્તદાન કેમ્પ યોજવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત રાજસ્થાન ભવન ખાતે યોજાયેલા આ રક્તદાન કેમ્પમાં 350 જેટલું રક્ત યુનિટ એકત્રિત કરવામાં આવ્યું હતું। આ કેમ્પમાં રાજ્યના મંત્રી રમણ પાટકર તથા રાજસ્થાનના ભાજપના અગ્રણી રતનદેવી ચૌધરી સહિતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। जिला प्रमुख रतनी देवी जी, और मैं 40 साल से इधर ही रह रही हूँ। तो मैं अभी 6 महीने से मेरे को जिला प्रमुख का पद मिला है, तो मैं राजसमंद में हूँ। और मैं जिला प्रसिद्ध राजसमंद सब परिवार को धन्यवाद देती हूँ, और मंजू दहिमा जी को पुण्य तिथि पे, और दहिमा परिवार को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी बहुत शुभ शुभकामनाएँ। बहुत हमारे वापी की समाज सेविका, राजस्थानी समाज की अग्रणी और वापी की पूर्व पार्षद रही श्रीमती स्वर्गीय मंजूबेन दाईमा की पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान प्रगति मंडल द्वारा 2008 से लगातार ये आयोजन किया जा रहा है, और बड़ी सफलता के साथ हमारा सब लोगों के सहयोग से ये आयोजन सफल होता है। आप सब लोग जानते हैं कि खून ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में बनती नहीं है, लेबोरेटरी में उसको ईजाद नहीं किया जा सकता है। अगर एक गरीब भिखारी हो या मुकेश अंबानी हो, तो किसको भी ब्लड की ज़रूरत है, तो एक के द्वारा दान दिए गए से ही पूर्ति संभव है। तो इस समय जब ये पेडेमिक का समय चल रहा है, खून की बहुत बड़ी कमी चल रही है, रक्त बैंक सूखे पड़े हैं, ऐसे समय में ऑपरेशन करने के लिए भी मरीजों को खून उपलब्ध नहीं है, तो हम बहुत आभारी है हमारे सारे रक्तदाताओं के कि भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और ये प्रतिवर्ष ये आयोजन राजस्थान प्रगति मंडल के माध्यम से स्वर्गीय मंजू दाईमा की स्मृति में किया जाता है। ये कोई टारगेट कोई ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान की तरह से कोई टारगेट तो नहीं चल, लेकिन लक्ष्य तो निर्धारित होना चाहिए, तो ही वो लक्ष्य के लिए हिम्मत लगाई जाती है। हमारे यहाँ 450 के करीब हर वक्त होता है, इस बार की स्थिति विपरीत है। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा लक्ष्य है कि हम 350 के आंकड़े को पार करेंगे।